अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर टू है जिसमें हम नज़म खुदा की सनद की मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे और उनको लिखने की मशक करेंगे। पहला लफ्ज़ है सनद, चहकते, कुदरत, इतर, अजब, रुत, बहार, समा, हिकमत, महके, चीज़, निराली, जाहिर, जाड़ा, फूल। ये आपके वर्कशीट पैड पे हैं, इसे आप लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे और इमला की तैयारी भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपकी उर्दू की पहली क्लास है जिसमें हम खुदा की सनद पढ़ेंगे। ये आपकी किताब के पेज नंबर 5 पे है। खुदा की सनद, ये एक हमद है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है और इसके शायर हैं मोहम्मद इस्माइल बीटी। जो चीज़ खुदा ने है बनाई इसमें जाहिर है खुशनुमाई, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। इसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आग के झहके, चिड़ियों के अजब पर लगाए और फूल हैं इत्र में बसाए। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत में नया समा, नई बात। गायें भैंसें अजब बनाई, क्या दूध की नदियाँ बहाई। रोशन आँखें बनाई दो दो कुदरत की बहार देखने को, धुओं दिए के मुँह से बोलें शुक्र इसका करें जबाँ खोलें। इसके शायर मोहम्मद इस्माइल मीठी हैं और शायर इस नज़म में कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से फूल, पौधे, परिंदे बनाए। अल्लाह ने हमारे लिए मौसम बनाए, सर्दी, गर्मी, खसा, बहार और बरसात। अल्लाह ने हमारी आसानी के लिए जानवर बनाए, गायें, भैंस, वो जानवर हैं जिनसे हमें खालिस दूध मिलता है। अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमत दी हैं जो अल्लाह की कुदरत का मुबोलता सबूत है। अल्लाह ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो हमें भी चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें। यह आपकी नज़म है, इसे आप पढ़ेंगे, बुलंदखानी की भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और आपका घर का काम है नज़म की बुलंदखानी करें और सफ़ा नंबर 6 पर सवाल नंबर 2 और 6 हैं वो आपको किताब में ही करने हैं।